हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका यदि सिविल स्कोर डाउन हो चुका है तो उसे दोबारा से ग्रोथ करके किस प्रकार से एक्सीलेंट पे लाया जा सकता है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सिविल स्कोर क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है और ये क्यों खराब हो जाता है और किस प्रकार से इसे दोबारा से सही किया जा सकता है। देखिए दोस्तों सिविल का मतलब होता है, सी का मतलब होता है क्रेडिट, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, बी का मतलब होता है ब्यूरो। ब्यूरो का ये मतलब है कि एक बहुत बड़ी संस्था हो जाती है, जो भी ब्यूरो में आ जाता है कि ब्यूरो एक बहुत बड़ी संस्था हो जाती है। आई का मतलब होता है इंडिया, एल का मतलब होता है लिमिटेड, एक ऐसी संस्था है जो लिमिटेड है, ठीक है। तो इसके भी चार पार्ट होते हैं, चार पार्ट में ये डिवाइड कर दिया गया है। स्टार्टिंग में होता है ये एक्सीलेंट, मतलब कि आपको एक्सीलेंट पे ही मिलता है। स्टार्टिंग में आपको जब क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अपडेट होके आती है तो ये एक्सीलेंट पे ही आपको दिया जाता है, मतलब कि 750 पे दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सीलेंट है, 750 है जो एक्सीलेंट होता है, यहाँ पर आपको एक्सीलेंट मिलेगा। लेकिन लो किस तरीके से होता है, लेकिन डाउन भी दो प्रकार से होता है। आपको एक प्रकार का शायद पता हो सकता है, जैसे कि आपने कोई भी लोन ले लिया है और लोन आपने टाइम टू टाइम रीपेमेंट नहीं किया है तो आपका सिविल स्कोर नॉर्मली डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा कारण यह है सिविल स्कोर डाउन होने का, सभी के पास स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन के जरिए सभी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आप प्ले स्टोर पर जाते हैं कोई भी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी क्रेडिट लाइन देने वाली ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट डाल देते हैं, सबमिट कर देते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की किताब। और वहां पर जब लोन देने का नंबर आता है तो आपको या तो लोन मिलता नहीं है या आप वहां से लोन लेते नहीं, केवल डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। वहां पर आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। यदि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो वहां पर दो प्रकार का, एक अकाउंट दो प्रकार से काम करता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। यदि आपका अकाउंट पॉजिटिव बन जाता है तो सिविल स्कोर बिल्कुल सही रहेगा, यदि नेगेटिव बन जाएगा तो सिविल स्कोर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आजकल चल रही है धनी ऐप्स, आप लोन लेते हैं लेकिन वहां से सब्सक्रिप्शन फीस नहीं कटाते हैं तो आपका एक अकाउंट बन चुका है और वो नेगेटिव में चला जाएगा। इस तरीके काफी सारी ऐप्स चल रही है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट डाल देते हैं और वहां पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और आप वहां से लोन नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार से आपका सिविल स्कोर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप ज्यादा इंक्वायरी मत करिए, किसी भी ऐप्स पे आप ज्यादा डॉक्यूमेंट मत डालिए, यहाँ से आपका सिविल स्कोर बिल्कुल मेंटेन रहेगा। यदि फिर भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो चुका है तो उसे किस प्रकार से सही किया जा सकता है। देखिए दोस्तों कोई भी लोन आप लेते हैं तो उसे पेड करके एनओसी ले लीजिए। यदि आपके पास एनओसी नहीं है तो उसे आप सिविल में जाके, जैसे कि पैसा बाजार चल रही है तो वहां पर जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आपने पेड कर दिया है उसे क्लोज करा दीजिए, आप अपना अकाउंट वहां पर क्लोज करा दीजिए। और यहां पर आपने कोई भी लोन ले रखा है उसे ड्यू में मत रखिए। यदि आप ड्यू में रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा ड्यू में रखेंगे तो आपका सिविल स्कोर डाउन होता जाएगा। यदि आपका कोई भी लोन चल रहा है, पेंडिंग में चल रहा है तो उसमें आपको पेड करना होगा। यदि आप उसे पेड नहीं करते तो आपका सिविल स्कोर जब तक बिल्कुल सही नहीं होगा जब तक आप पेड नहीं कर सकते। और यहां पर अपना लोन कोई भी सेटल नहीं करिए, आपको थोड़े बहुत पैसे ज्यादा देने पड़ सकते हैं लेकिन लोन को सेटलमेंट मत करिए। यदि आप लोन सेटलमेंट करेंगे तो आपका सिविल स्कोर पूरी जिंदगी कभी सही नहीं होगा, क्योंकि पैन कार्ड कभी भी नहीं दोबारा बनता है, पैन कार्ड आपका वही रहता है। यदि आपका कोई भी लोन एक बार सेटलमेंट में गया फिर आपका लोन, आपको दोबारा लोन भी नहीं मिलेगा और आपका सिविल बिल्कुल भी सही नहीं होएगा। इस तरीके से आप अपनी जो पेमेंट हिस्ट्री है उसे बिल्कुल टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर दीजिए। यदि आपने रीपेमेंट भी कर दिया फिर भी आपका सिविल स्कोर सही नहीं हो रहा है तो आप अपने अकाउंटों को क्लोज करा दीजिए। पैसा बाजार में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपने कौन सा लोन ले रखा है, आप सिविल में जाकर वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये अमाउंट मैं पेड कर चुका हूं और अब मेरा ये अकाउंट क्लोज कर दीजिए। वहां से आपका अकाउंट कुछ दिनों में क्लोज कर दिया जाएगा, फिर आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहली बात यह है कि आप कभी भी अपना लोन ज्यादा से ज्यादा ओवर ड्यू में नहीं रखना होगा। लेकिन
सिविल स्कोर एकदम से नहीं बढ़ता है, कभी भी एकदम से नहीं बढ़ता है, सिविल स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है। एक महीने में लगभग 100 से 50 के बीच में ही बढ़ता है, और हर 2 या 3 महीने में आपका सिविल स्कोर बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा सिविल स्कोर सही होने में, लेकिन आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे ही बढ़ता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, यदि अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना।